तो नया सवेरे में देख लेते हैं देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें और बात करते हैं वंदे भारत की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस वंदे भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा कल से शुरू होगी और जयपुर, अलवर और गुरुग्राम में स्टॉप के साथ अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच चलेगी ये ट्रेन। नई वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली कैंट और अजमेर के बीच की दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। इसी रूट की मौजूदा सबसे तेज ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली कैंट से अजमेर के लिए 6 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। इस तरह नई वंदे भारत एक्सप्रेस उसी रूट पर चलने वाली मौजूदा सबसे तेज ट्रेन की तुलना में 60 मिनट तेज होगी। वहीं अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक OHE क्षेत्र पर दुनिया की सब पहली सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन होगी। ये ट्रेन पुष्कर, अजमेर शरीफ दरगाह सहित राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों और उसकी कनेक्टिविटी में सुधार करेगी। बढ़ी हुई कनेक्टिविटी से क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। और हमारे सहयोगी संवाददाता अभिषेक सिंह जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात अभिषेक, बात कर रहे हैं हम कनेक्टिविटी की, बात कर रहे हैं हम रफ्तार की, और जब जब रफ्तार बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से उस क्षेत्र को फायदा होता है, रोजगार के जो है नए संसाधन बनते हैं, नए कह सकते हैं कि रोजगार के नए जरिए बनते हैं, और रफ्तार जो है वो कहीं ना कहीं विकास को भी आगे बढ़ाने में कारगर साबित होती है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कनेक्टिविटी सबसे बड़ी जो है वो आवश्यकता है। किसी भी अर्थव्यवस्था को अगर गति देनी हो तो कनेक्टिविटी दुरुस्त होनी चाहिए। हवाई कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, सड़क कनेक्टिविटी हो, जल मार्ग कनेक्टिविटी हो, कनेक्टिविटी का जो फ़र्क, कनेक्टिविटी बेहतर होने से जो फ़र्क पड़ता है वो सीधा विकास पर दिखता है। और अगर हम वंदे भारत ट्रेन की बात करें शहला, तो ये सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहूँगा इस ट्रेन के बारे में। 15वीं ट्रेन है ये वंदे भारत की, ये 15वीं रैक है जिसे प्रधानमंत्री 11 बजे के आसपास जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है हरी झंडी दिखाएंगे। जयपुर रेलवे स्टेशन से आज ये चलेगी और दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन तक का सफ़र करेगी, तकरीबन शाम 4 बजे पहुंचेगी। और कल से यानी कि 13 अप्रैल से इसका जो ऑपरेशनल रन है, जो कमर्शियल रन है, वो शुरू हो जाएगा कल से। और कल सुबह 6:20 पर ये अजमेर शरीफ से चलेगी, अजमेर शरीफ रेलवे स्टेशन जो है वहाँ से चलेगी, और 11:35 पे महज 5 घंटे 15 मिनट पर वो पहुंचाएगी। और शाम को दिल्ली कैंट से ये 6:40 पर चलेगी और रात के 11:35 पर इसका जो टाइम टेबल फिक्स किया गया है वो जो है अजमेर पहुंचेगी। इसके साथ साथ अगर हम 2 सप्ताह के अंदर देखें तो ये 4थी वंदे भारत ट्रेन है जिसे 2 सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री फ्लैग ऑफ कर रहे हैं, हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ में ये राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन भी है। राजस्थान के लिए अगर हम देखें तो काफ़ी लंबे समय से जो है एक हाई स्पीड ट्रेन की डिमांड थी, सेमी हाई स्पीड ट्रेन की डिमांड थी, और उसे प्रधानमंत्री ने पूरा किया है। साथ साथ इस एक और आपको बहुत दिलचस्प बात बताना चाहते हैं कि ये जो ट्रेन है ये दुनिया की पहली ऐसी ट्रेन होगी जो दिल्ली कैंट से अजमेर के बीच चला करेगी, जो कि OHE जो ओवरहेड इलेक्ट्रिक टेरिटरी होती है, जो अमूमन जो स्टैंडर्ड है कहीं भी पूरे इंडिया में देखे, वर्ल्ड में जो है उसकी जो हाइट होती है वो एक स्टैंडर्ड हाइट होती है, लेकिन इसमें जो पेंटोग्राफ का यूज किया गया है वो ड्राइवर, पेंटोग्राफ मतलब कि ड्राइवर केबिन के ऊपर जो बिजली खींचने का जो यंत्र होता है जिससे कि ट्रेन चलती है, उसकी जो हाइट है वो यहाँ पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। रेलवे इंजीनियर्स ने माल ढुलाई को आगे बढ़ाने के लिए, चूँकि माल ढुलाई के कारण जो है अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, एक जगह से दूसरे जगह तक कच्चे सामान जो है उनको पहुँचाया जाता है, तो ऐसे में राजस्थान में शुरुआत की थी कि जो OHE का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हो, ताकि जो मालगाड़ियाँ चलती है वो डबल स्टैक कंटेनर यानी कि डबल डेकर के रूप में चला करे। तो जब डबल डेकर के रूप में चलने लगी तो उनकी जो हाइट है उसको अपग्रेड किया गया। अब इस रूट पर वंदे भारत को अगर उसी रूट पर गति के साथ चलाना था तो ये एक बड़ा चैलेंज था कि यहाँ पर उसी OHE पे पैसेंजर ट्रेन को किसी को चलाया जाए। तो ऐसे में ये वंदे भारत ट्रेन को तकरीबन 1 महीने तक इसका ट्रायल किया गया, इसके OHE की हाइट को जो है वो बढ़ाया गया। तो ये दुनिया की पहली ट्रेन होने जा रही है जो कि इतने ऊंचे OHE पे चलेगी। साथ साथ
कनेक्टिविटी के साथ साथ अर्थव्यवस्था में किस तरीके से बदलाव आएगा इस ट्रेन को। आप देखिए, राजस्थान टूरिज्म के लिए जाना जाता है, पर्यटन के लिए राजस्थान जो है न सिर्फ देश भर के बल्कि विदेशों से काफी जो सैलानी है वो यहाँ पर आते हैं। जयपुर पिंक सिटी है, जयपुर के लिए एक बेहतर कनेक्टिविटी कम समय में एक आरामदायक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ। तो ये एक जयपुर पिंक सिटी में आने वाले जो तमाम जगह है वहां देखने वाले। अजमेर शरीफ दरगाह की बात कर लीजिए, इसके अलावा पुष्कर जो एक बड़ा तीर्थ स्थल है वहां पर जाने वाले, साथ साथ जो अन्य जगह है इन सब के बीच में कई सारे फोर्ट हैं, कई सारे जगह हैं, उन जगहों पर पर्यटन का विस्तार होगा, यहाँ के लोगों का रोजगार और स्वरोजगार दोनों में इजाफा होगा। जी अभिषेक, हम जानते हैं कि भारत को कई वंदे भारत ट्रेन्स मिली और ऐसे ऐसे रूट्स पर मिली हैं जहाँ पर आर्थिक के साथ साथ हम जब सामाजिक विस्तार की बात करते हैं वो भी होता है, और कई ऐसे जो यात्रीगण हैं जिनसे आपकी भी कई बार बात हुई है उन्होंने अपने बहुत ही खूबसूरत अनुभवों को साझा किया है, खासतौर पर जो अत्याधुनिक सुविधाएँ इस ट्रेन में दी गई हैं। लेकिन अगर बात करें हम उस स्टाफ की, किस तरह से उन्हें ट्रेन किया जाता है, क्योंकि इन ट्रेन्स की मेंटेनेंस ही इसकी जान है, कैसे इस मेंटेनेंस को अपग्रेड करके एक बेंचमार्क सेट करना है, उसके लिए ट्रेनिंग भी बहुत जबरदस्त हुई होगी। बिल्कुल आचल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कोई आसान काम नहीं था सेमी हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण, और विश्व के अगर 15 चुनिंदा देश हैं जहां पे सेमी हाई स्पीड ट्रेन है तो उसमें 15वां देश भारत वो शामिल हुआ। आप समझ सकते हैं कि जिस ट्रेन का पहला रैक जब 2019 में तैयार हुआ, ट्रेन 18 के नाम से इसकी जो इसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में जब तैयार किया जा रहा था, तो जब इसका पहले विदेशों में टेंडर के लिए बात किया गया तो उस समय इसकी जो कॉस्ट बताई गई थी एक ट्रेन की वो तकरीबन 300 करोड़ रुपए की थी। लेकिन इसी को भारत के अंदर मेक इन इंडिया के तहत पूर्णतः स्वदेशी बनाया गया, प्रधानमंत्री का जो विजन था उसको लेके इसे पूरा किया गया सिर्फ 97 करोड़ रुपए के अंदर, यानी एक रैक जो है वो सिर्फ 97 करोड़ रुपए में इसे वर्ल्ड क्लास बनाया गया, जो कि अगर हम देखें तो कम से कम 200 करोड़ रुपए की जो है एक ट्रेन के ऊपर बचत है जो विदेशों में जो तैयार होता है। तो क्या ये आप कह सकते हैं इसे कि किस तरीके का भारतीय इंजीनियरिंग है, साथ साथ जो ट्रैक्स हैं हमारे, क्योंकि बहुत तकरीबन 150-200 साल का पुराना जो है हमारा रेल का इतिहास रहा है, तो कई सारे ऐसे ट्रैक्स भी थे जहां पर कि इसको इस हाई स्पीड ट्रेन को, क्योंकि 180 किलोमीटर की अधिकतम रफ्तार है, उस पर चलाना भी मुश्किल था। ऐसे में जो ट्रैक्स हैं उनका मेंटेनेंस हो, या फिर जो आपके अन्य से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं इनके जो मेंटेनेंस सेड है वहां पे इनके सारे तकनीक जो है उनको कैसे विकसित किया जाए, ये काम किया गया। और उन सभी रूट्स के ऊपर अब आप देख रहे हैं कि वंदे भारत को चलाया जा रहा है। साथ राजस्थान के अंदर जो एक बड़ी चुनौती थी OHE को लेकर के, उसको भी किस तरीके से सॉर्ट आउट किया गया, उसका भी कैसे सॉल्यूशन निकाला गया, और उसको किस तरीके से अब निर्बाध रूप से, और जो जिस तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो रहा है, भारत सरकार का लक्ष्य भी है कि 2024 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया जाएगा। 75% भारत सरकार ने अचीव कर लिया है, रेल मंत्रालय ने अचीव कर लिया है। और एक और बड़ी बात आपको बताना चाहेंगे कि राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 83 रेलवे स्टेशनों का, जो पारंपरिक रूप से अपने अपने विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं, उनके पुनर्विकास को भी हरी झंडी दे दी है। जहां पर 2014 के पहले तक जो बजट होता था राजस्थान का वो सिर्फ 682 करोड़ रुपया होता था, आज 2023-24 का बजट 9500 करोड़ है रेलवे का, यानी कि 14 गुना ज्यादा। बिल्कुल, और क्योंकि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो 75 इस तरह की ट्रेन चलाने का कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता है सरकार की। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि जब भी वंदे भारत का हम नाम सुनते हैं, जो जिस जिन्होंने इसमें सफ़र नहीं किया है, अगर हम इसकी सुविधाओं के बारे में इस मंच के ज़रिए लोगों को जानकारी दें, क्योंकि जिस पर्यटन सर्किट का आप बात करें, पुष्कर की बात हो, अजमेर शरीफ की बात हो, अगर बाय रोड जो नहीं जा सकता, ख़ास तौर पर जो वृद्धजन हैं, बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, उनके लिए किस तरह की सुख सुविधाएँ यहाँ पर दी गई हैं, क्योंकि ये अपने आप में अहम है कि ये ट्रेन 1 घंटा कम समय लेती है जब हम शताब्दी का जिक्र करते हैं, तो वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस है। हाँ, वही जानना चाहते हैं हम आपके जरिए। बिल्कुल, देखिए इस ट्रेन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये दुर्घटना से इसमें बचाव के सारे सिस्टम है। सबसे बड़ी जो चीज़ है यात्री सुरक्षा, जिस पे कि भारतीय रेल का पूरा फोकस रहा है, कवच सिस्टम से लैस है ये ट्रेन। एक ही ट्रैक पे अगर 2 ट्रेन हो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम काम करेगा, यानी कि पहले जो दुर्घटनाएं होती थी उससे सबसे बड़ी इसमें जो है निजात मिलेगा कि आपको ट्रेन दुर्घटना में, इसमें ट्रेन की का दुर्घटना नहीं होगा। दूसरा जो है
ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए तमाम उपाय किए गए हैं। आपने देखा होगा इसके पहले के भी वंदे भारत ट्रेन में अगर यात्री फैसिलिटीज की बात करें तो जो एग्जीक्यूटिव कोच है वो 180 डिग्री तक घूमते हैं, उसके जो चेयर है वो 180 डिग्री तक घूमते हैं। तमाम सुविधा, पुश बैक बटन, ऑटोमेटिक डोर, स्लाइडिंग दरवाजे, इसके अलावा CCTV, इंफोटेनमेंट, इंटरटेनमेंट की व्यवस्था, खान पान की विशेष व्यवस्था, हर इन सारी सुविधाओं के अलावा जो सबसे बड़ी इस ट्रेन के अंदर जो सुविधा दी गई है वो ये है कि इस ट्रेन में दिव्यांग जन जो है उनके लिए ब्रेल लिपि में पूरे ट्रेन के अंदर जो है वो व्यवस्था की गई है, वो अपने सीट तक जा सकते हैं। बुजुर्गों के लिए जो है रैंप भी ट्रेन के अंदर उस तरीके के बनाए गए हैं ताकि वो ट्रेन के अंदर वो चढ़ सके। साथ साथ जो बच्चे हैं उनके लिए इंफोटेनमेंट, इंटरटेनमेंट की सुविधा, ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो ट्रेन के अंदर आपको देखेंगे, जो कि शायद आप जब पहले कभी विदेश जाते थे तो वहां के ट्रेनों में जो नज़ारा दिखता था, कभी 2019 के पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि भारत में भी इस तरह की ट्रेन बन सकती है। इसका लुक अगर देखें, इसका बाहर से जितना लुक अट्रैक्टिव है उतना ही इसका अंदर का जो आप स्टफ देखेंगे, इनके जो सीट्स देखेंगे, जो डिजाइन देखेंगे, बिल्कुल हवाई जहाज की तर्ज पे तैयार किया गया है। सामान रखने का रैक से लेकर के टच लाइट की व्यवस्था हो, तमाम बॉटल होल्डर हो, पैर रखने की जगह हो, हर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, हर सीट के नीचे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, तो तमाम ऐसे सुविधाएं जो इस ट्रेन में सफर करने वाले जब यहां के लोग इसको सफर करेंगे तो उसका अनुभव करेंगे। आंचल वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस है ये ट्रेन और आज राजस्थान को ये बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। बिल्कुल, और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि पर्यटन के लिहाज से और साथ ही साथ सुख सुविधाओं के लिहाज से नंबर वन एक्सपीरियंस अगर आप लेना चाहते हैं तो हालांकि जो बुकिंग है वो 13 अप्रैल से खुलेंगी लेकिन आज उसे हरी झंडी दिखाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, लगातार आपसे तो चर्चा होती रहेगी लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है नया सवेरा में।